ये 1000 किलोमीटर चलाने के बाद देखो मेरा कार कितना गंदा हो गया, ये देखो पूरा मतलब बारिश हुआ था बीच में तो पूरा रोड का जो कचरा मुझे लगता है पूरा मेरे कार पे ही लग गया है, देखो देखने लायक नहीं है पूरा, देखो मट्टी उट्टी चिपक गया, कोई बोलेगा ये ब्लू कलर कार है देखो ज़रा ये हाल है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जी हाँ दोस्तों, देखो मेरा जो ऑटो फेनाटिक का जो शैम्पू है वो ख़त्म हो गया था। एक्चुअली मैं ज़्यादा टाइम जो महंगा महंगा कार वगैरह होता है ना, मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू, वेरना, जो भी मतलब 20 लाख से ऊपर वाला कार है, उसमें मैं ज़्यादा टाइम ये ऑटो फेनाटिक का जो शैम्पू है वही मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि कस्टमर लोग पूछता है भाई महंगा कार आएगा तो वो लोग पूछता है भाई कौन सा शैम्पू यूज़ कर रहे हो क्या कर रहे हो, तो उसको मैं ये वाला दिखाता हूँ भाई, देखो मैं ये वाला शैम्पू यूज़ करता हूँ, ऐसा कोई फालतू जो शैम्पू यूज़ नहीं करता हूँ, 5-10 रुपये वाला है ना, ये ब्रांडेड बिल्कुल क्वालिटी वाला शैम्पू है जो आपको US टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, ये मेड इन US है ये, तो इसको मैं स्पेशली इसीलिए मंगाता हूँ ये ऑटो फेनाटिक का, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये पूरा बॉक्स पैक है वो, ये देखो ऑटो फेनाटिक 007 स्नो स्ट्रॉम, ये देखो लिखा हुआ यहाँ पर। दोस्तों ये जो है pH बैलेंस शैम्पू है ये, मतलब जैसे कि नॉर्मली अगर आपकी अगर कार में अगर वो सेरेमिक कोटिंग वैक्स वगैरह अप्लाई किया हुआ पहले से तो उसको ये रिमूव नहीं करता है, साथ में ये जो इससे अगर आप वॉश करोगे तो ये अपना कार का शाइनिंग बढ़ाता है। तो चलो इसको मैं पहले ढक्कन खोल लेता हूँ, नया सील पैक है, पिछले बार मैंने क्या किया था ऐसे ही ढक्कन लगा हुआ था और मैं सोच रहा था भाई ये गिरता कैसे नहीं, इसको मैं प्रेस किया शैम्पू बाहर ही नहीं आ रहा था ऐसा करके, क्योंकि भाई इसका जो सील पैक है ना ये मैं पिछले बार नहीं हटाया था तो ये भाई ऐसा लिक्विड गिरा था तो गिर ही नहीं रहा था ये अंदर चला गया, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। ओके तो अभी इसको हम ऐसा लगा देंगे, अब ये इसमें से शैम्पू निकलेगा, ये देखिए ये लॉक सिस्टम है, ऐसा ये सिस्टम है, ऐसा प्रेस करके बाद में ऐसा शैम्पू निकलेगा। चलो अभी हम फोम कैन में शैम्पू डालेंगे, ये नॉर्मली कार तो कुछ ज़्यादा गंदा, इस वजह से मैं क्या करूँगा इसको 60 ml डालूंगा, नॉर्मली 50 ml डाला तो बस हो जाता है, मैं अभी इसको 60 ml डालूंगा, बाद में इसको स्प्रे करेंगे और पानी भी नहीं मारेंगे, देखना डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, देखेंगे कार कितना साफ होता है डायरेक्टली शैम्पू अप्लाई करने से, वो हम अभी चेक करेंगे। दोस्तों और ये है ये ऑटो फेनाटिक का फोम कैनन, आप चाहे तो कौन सा भी फोम कैनन यूज़ कर सकते हो, मैं आज क्या है ऑटो फेनाटिक का शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ तो इस वजह से सोचा कि इसी का फोम कैनन यूज़ करूँगा बोल के, ये देखो ये ऐसा प्रेस किया और इसको ऐसा डालेंगे, तो इसको हम ऐसा 60 ml डालेंगे, हो गया 60 ml, अब इसको फुल हम ऐसा पानी भर देंगे। तो दोस्तों हमने बाकी का पानी भर दिया और इसको हम ढक्कन ऐसा लगा देंगे और इसको थोड़ा सा ऐसा शेक कर लेंगे, अच्छे से थोड़ा मिक्स हो जाने दो अंदर ही, अब हम सीधा कार पे अप्लाई करेंगे, पानी नहीं मारेंगे, जैसे कि पूरा मट्टी भरा हुआ ना जैसे गंदा है कार वैसे सीधा शैम्पू मारेंगे, देखेंगे बाद में कितना क्लीन होता है, हाथ भी नहीं लगाएंगे, देखेंगे टचलेस टाइप ऐसी देखेंगे कैसा काम करता है। चलो ठीक है रेडी, देखते हैं, पहले चक्के में मारेंगे, ओहो वाह भाई वाह, ओहो हो मज़ा आ गया, देखो ज़रा पावरफुल एकदम मस्त गाढ़ा गाढ़ा इसका मेरा हाथ भी नहीं लगे, देखें कचरा पूरा गिर जाने दो स्लो मोशन में, डायरेक्ट पानी मारेंगे और देखना फिर भी कार एकदम चकाचक हो जाएगा ऐसे एकदम ज़्यादा मट्टी रहेगा तो उसको तो हाथ मारना पड़ेगा, फिर भी हम देखेंगे कि भाई बिना हाथ लगा कितना क्लीन होता है हम वो देखेंगे, आपने तो देखा पूरा कार में मट्टी मट्टी भरा हुआ था, देखो शैम्पू मस्त एकदम गाढ़ा गाढ़ा शैम्पू, ये देखो इधर अभी मारेंगे देखना ना कैसा दिखता है, ये देखो वाओ, ये देखो ये स्लो मोशन में मट्टी में गिर रहा है, ये देखो बिल्कुल फैलता भी नहीं है, उधर जिधर गिरता है वहीं पर वैसे रुका हुआ है, मतलब इतना गाढ़ा गाढ़ा शैम्पू हो, देखो जरा वाओ, ये देखो कैसा गाढ़ा गाढ़ा शैम्पू है जबरदस्त, और आज हमने जो मशीन यूज़ किया है वो है ये ब्लोरेक्स का मशीन है, देखो
ये मशीन, तो आप चाहे तो ये भी मशीन खरीद सकते हो। और ऐसे जरूरी नहीं कि आपको यही मशीन यूज़ करना है या तो यही फोम के यूज़ करना है, आप कौन सा भी मशीन कौन सा भी फोम के इसके लिए यूज़ कर सकते हो शैम्पू को लेकर के। दोस्तों तो शैम्पू अप्लाई करने के बाद थोड़ा टाइम रुका, आप डायरेक्टली पानी मारेंगे और देखेंगे कितना क्लीन होता है। एक्चुअली फाइनल बाद में वापस से फोम मार के एक बार तो हाथ मारेंगे, पर फिर ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करने के बाद दिख रहा हूँ कि भाई बिना हाथ मारे कितना इसमें क्लीन होता है शैम्पू में। ऐसे भी कंपनी वाले बोलते हैं कि भाई नॉर्मली अगर थोड़ा बहुत अगर गंदा रहेगा आप सीधा आप शैम्पू अप्लाई करो आप सीधा पानी मारो कार बिल्कुल चकाचक होता है, पर ये पूरा मट्टी से भरा हुआ था ना ये तो आपको हाथ लगाना ही पड़ेगा, फिर भी थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा, क्लीन तो हो ही जाएगा थोड़ा बहुत। वाओ ये देखो इधर मट्टी है और इधर बिल्कुल क्लीन हो गया, बस खाली प्रेशर मारा उतने में मैंने, मतलब एक्चुअली क्या हो गया शैम्पू ना उस चीज़ को जो कचरा है उसको बिल्कुल नरम कर दिया, जैसे मैं प्रेशर मार रहा हूँ बिल्कुल एकदम अचानक से क्लीन हो रहा है। देखो देखो जैसे कि ये देखो यहाँ पर मैंने प्रेशर मार रहा था, देखा पर क्लीन हो गया, देखो नीचे मट्टी है ना लेकिन शैम्पू से बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। अब देखो कैसा प्रेशर मारूंगा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, ये मारा प्रेशर ये देखो कैसा क्लीन हो गया है। क्या मट्टी तो पूरा भरा हुआ था मट्टी और देखो बिल्कुल क्लीन हो गया। और देखो ये यहाँ पर भी देखो ये जो मट्टी दिख रहा है और यहाँ पर क्लीन, देखो डिफरेंस दिख रहा है ना ऐसा, ये देखो ये देखो वाह, मतलब ये शैम्पू है बिल्कुल सॉफ्ट कर देता है कचरे को। ये देखो यहाँ पर मट्टी है यहाँ पर देखो क्लीन है, आपको डायरेक्टली मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखो हाँ। तो ये शैम्पू का ये खासियत देखो, फिर यहाँ पर मट्टी आ गया फिर यहाँ पर और यहाँ पर नहीं है। वाह जैसे कि मैंने ये वाला व्हील क्लीन कर लिया, अब देखो ये देखो हाँ ये देखो ये कितना मट्टी से भरा हुआ, जैसे मैं प्रेशर मारूंगा देखो ना क्लीन हो जाएगा एकदम चकाचक ये, और ये क्लीन वाह ये देखो देखो बिल्कुल क्लीन हो गया है। दोस्तों ये देखो हमने कार को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया कुछ भी नहीं, देखो मुझे लगता है 70% तो क्लीन हो गया सर, पूरा 100% चकाचक नहीं हो रहेगा और 70% ये देखो क्लीन बिल्कुल हो गया ये कार, हाँ बिना हाथ लगाए। नॉर्मली मैं तो रिकमेंड करता हूँ भाई सबसे पहले कार को नॉर्मल पानी मारो और उसके बाद सीधा एक ही बार शैम्पू मारो फिर कपड़ा मार दो, बिल्कुल कार एकदम चकाचक हो जाएगा। पर ऐसे ही आज मैंने सोचा कि भाई हाथ नहीं लगाया कार को, ऐसे बिना हाथ लगा डायरेक्टली शैम्पू मार के देखेंगे कितना क्लीन होता है, तो ये है रिजल्ट अब देखो सामने। एक्चुअली कार जितना गंदा था उसके हिसाब से तो बहुत ही सही क्लीन कर दिया है, मतलब बिना हाथ लगाए। चलो अब हम क्या करेंगे अच्छे से पहले फोम मार देते हैं फिर तो कपड़ा मारेंगे ताकि प्रॉपर 100% चकाचक क्लीन हो जाए। चलो ठीक है ये नहीं ये वाला मूवमेंट सबसे अच्छा दिखता है पूरा वाइट वाइट ये देखो मस्त फोमिंग हो गया। तो दोस्तों ये है सॉफ्ट स्पून का माइक्रोफाइबर क्लॉथ, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूंगा। तो इससे अब हम क्या करेंगे पूरा कार को अच्छे से कपड़ा मार लेंगे, ये सूखा सूखा है ना इसको क्या करें थोड़ा सा ऐसा स्प्रे मार लेते, ये सूखा में मज़ा नहीं आएगा मारने के लिए, थोड़ा इसको भी शैम्पू स्प्रे कर लेते इसके ऊपर ये, अब इससे मज़ा आएगा मारने के लिए।
तो दोस्तों फुल कार को अभी अच्छे से कपड़ा मार के हो गया, अभी डायरेक्टली पानी मारेंगे और कार बिल्कुल चकाचक हो जाएगा। एक्चुअली मशीन का भी प्रेशर बहुत ही ज़बरदस्त है, मज़ा आ गया इससे काम करके आज। तो दोस्तों फुल कार को भी अच्छे से पानी मार के हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये सूखा कपड़ा लेकर आया हूँ मैं, माइक्रोफाइबर क्लॉथ, ये सॉफ्ट स्पून का माइक्रोफाइबर क्लॉथ, इससे हम क्या करेंगे अभी अच्छे से इसको पोंछ लेंगे। ये देखो ये ऐसे, ताकि इसमें कोई वाटर ड्रॉप्स ना रहे। कोई लोग बोलते हैं कि पानी अच्छे से गिर जाने दो उसके बाद पोंछने का, बिल्कुल गलत बात है। अगर पानी गिर जाने के बाद अगर पोंछोगे तो वैसे ही कार को वाटर ड्रॉप्स लग जाएंगे, मतलब थोड़ा सा सूख जाएंगे ना, उसमें से वाटर ड्रॉप्स लगेंगे। तो जैसे आपने पानी मार के हो गया, तुरंत आप सूखा कपड़े से उसको अच्छे से पोंछ लो तो क्या हो जाएगा, उससे वाटर ड्रॉप्स नहीं आएंगे। ये देखो एक भी वाटर ड्रॉप्स इसमें नहीं आएगा, और जितना कार में वो पानी सूख जाएगा वहीं पर वाटर ड्रॉप्स आ जाएगा इस वजह से। ये देखो ऐसे, अरे अगर आपने ये माइक्रोवेव क्लॉथ यूज़ करें तब तो अलग ही बात है, इसमें जल्दी से पानी सोख लेता है इस वजह से। ये जो ऑटोफेनाटी का जो शैम्पू है ना, इसका भी बहुत ही कमाल है, जैसे वॉशिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली कार अच्छा से चमकने लग जाता है। एक्चुअली शैम्पू का क्वालिटी भी ऐसा है, वो हाई क्वालिटी शैम्पू है, वो नॉर्मली अगर थोड़ा बहुत अगर कार अपना गंदा है, मतलब नॉर्मली वीकली दो बार तीन बार वॉश करते हो, ऐसे नॉर्मली पानी मार के थोड़ा बहुत फोम वॉश मारते हो, तो फिर वो ये जो नॉर्मली खाली शैम्पू स्प्रे करोगे उतने में ही क्लीन हो जाता है। ऐसे आपको इतना पोंछना और इतना हाथ लगाना नहीं पड़ता कार को। ये देखो दोस्तों कार का फाइनल लुक एकदम चमक आ गया, बिल्कुल नया जैसा। वैसे तो नया ही तो है, ज़्यादा पुराना नहीं है, फिर भी देखो कार का हाल क्या था, आपने तो देखा है बिल्कुल पूरा कार में मट्टी मट्टी भरा हुआ था। अब देखो कार बिल्कुल एकदम शाइनिंग हो रहा है, चमक गया है। ये देखो ये देखो, ये एक भी दाग नहीं है, परफेक्ट हो गया एकदम। तो दोस्तों आपको अगर ये ऑटो फनाटिक अगर शैम्पू खरीदना है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जा करके खरीद सकते हो, और साथ में ये जो फोम कैनन है उसका भी दे दूंगा। तो आपको जो भी चीज़ें खरीदना है हर चीज़ का मैं लिंक दे दूंगा, ताकि आपको यहाँ वहाँ पर ढूंढना ना पड़े, डायरेक्टली आप वहाँ से जा करके खरीद सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।